अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आधुनिक आवाम को मेरी तरफ से एक छोटा सा ऐलान, मिलादुन्नबी में जो संडे मनाया जाता है, तो मैं आवाम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, डीजे ढोल बाजा से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों बोल रहा हूँ बोले तो, हार्ट पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स और हार्ट बीपी शुगर जितने भी मरीज़ हैं उनको बहुत तकलीफ़ होगी। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना भाई समझ के कोशिश करेंगे ना रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देके डीजे लगाना सही नहीं है मेरी तरफ से, मैं जो सोचा हूँ। तो रही बात उसके बाद जो है आवाम में जो हम डीजे वगैरह जितना भी खर्चा कर रहे हैं, उसी दिन मिलाद नबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जितने भी गरीबा हैं उनको बिरयानी वगैरह पलो वगैरह जितनी हमारी हैसियत रहेगी इंशाल्लाह, जितने आवाम गरीबों को बुला के हम दावत रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बोल के मेरी तरफ से एक पैगाम दे रहा हूँ। और इसी तरह आधोनी के मैनाटी कॉलोनी में आप लोग देख सकते हैं, बारिश की वजह से रोड में चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है, उधर आवाम बहुत तकलीफ़ में है। तो हमारे आधुनिक के नौजवानों और मुसलमानों भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से कोई भी एक बड़ा बनकर चंदा पट्टी इकट्ठा करके, हाँ बालू हो या मट्टी हो या कुछ भी हो, ट्रैक्टर में बात करके जीसीबी से लगा के लेवल कराएंगे तो आने वाले कल में बच्चों को स्कूल को जाने आने तकलीफ़ हो रही है, उन लोग की दुआ भी लगेगी, बोल के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। डीजे के पैसे जितने भी है, ड्रम्स के पैसे है, वो जितने भी हम लोग चंदा पट्टी से भी हो, अपने नामदार पैसे वाले लोग भी अगर दिए हैं चंदा तो उसे ज़ाया ना करें, उसी पैसे उनसे मैना टिकाले में रेत मट्टी डाल के उस लेवल करेंगे तो उधर के रहने वालों गरीबों को आने जाने के लिए तकलीफ़ दूर होगी, बोल के एक मेरी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक्सेप्ट करिए, अगर बुरा लगा है तो आपको छोटा भाई समझ के माफ़ करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद गौस, मैनाटी हकुला परिरक्षण समिति आधोनी।